मॉर्निंग गाइस, अभी हम नैनीताल में हैं और सुबह के 8 बजे हुए हैं और अभी हम नैनीताल में पहुंचे हैं। तो अभी हम आपको नैनीताल घुमाएंगे और ये पीछे नैनीताल लेक है मेरे। तो चलिए अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे। गाइज, ये माल रोड का रास्ता है आगे जाने के लिए। माल रोड पे ये पूरा नैनीताल है, नैनीताल लेक है। ये नैनीताल लेक है, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। 200 रुपये पर बोट चार्ज है यहाँ का। ये उधर सामने जो है वहाँ पे पार्किंग है। गाइस, ये यहाँ का नैनीताल का माल रोड है और अब हम जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। पहले हम गाड़ी को अपनी पार्क करेंगे, यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है पार्किंग का, वहाँ गाड़ी पार्क करके फिर हम आगे वोटिंग के लिए जाएंगे। वो हम आपको दिखाते हैं अभी। अभी आप माल रोड अभी इतना अभी चालू नहीं हुआ, अब सुबह के 8:30 बज गए हैं तो अभी माल रोड की मार्केट अभी खुली नहीं है। अभी हम पार्किंग में आ गए हैं। ये पार्किंग एरिया है यहाँ का सारा। 120 रुपये पार्किंग चार्ज है यहाँ का और 11 बजे चेकआउट हो जाती है अगर आप सुबह मॉर्निंग में लगाते हैं तो यहाँ पे गाड़ी। ये यहाँ पे पास में मस्जिद है, एक ये क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है, एक ये क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पर। अब यहाँ से अब हम वोटिंग के लिए आगे जा रहे हैं तो अब आगे आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ से वोटिंग के लिए वोटिंग स्टार्ट है। अभी यहाँ से वोटिंग की पर्ची कटाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अगर आप हाफ़ राउंड करते हैं तो वो 160 रुपये है, अगर फुल करते हैं तो 210 रुपये है। तो ये जो है यहाँ से एंट्री है वोटिंग के लिए। ये नैनीताल लेक है पूरी। धूप काफी तेज आ रही है। यहाँ से ये वोटिंग है, सारी वोट खड़ी है यहाँ पे। यहाँ से पर्ची कटा के अब हम वोट के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ये नैनीताल लेक है पूरी। काफ़ी अल्टीमेट है ये। भाई साहब हमें वोटिंग कराने वाले हैं और ये हमारी बोट है और ये नैनीताल लेक है। चलिए वोटिंग करते हैं। चलो भाई साहब, बीच में पैर रख के बीच बीच जाना। ये इस तरीके से जाना होता है बिल्कुल सेंटर में। ये पूरा नैनीताल नज़र आता है यहाँ से, बीचों बीच है ये बिल्कुल लेके एकदम नैनीताल के। इधर धूप काफ़ी तेज़ है। सामने हमने हाफ राउंड किया है, 160 रुपीज़ है यहाँ फिक्स है। तो आप फुल भी कर सकते हैं। फुल का कितना? 210 रुपये है ना। 200 रुपये लेते हैं फुल का और हाफ राउंड का जो है 160 रुपये है। चले फिर अब आगे चलते हैं वापस के लिए। हम रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से। हमारा राउंड क्लियर हो गया पूरा, फुल राउंड किया हमने, अब वापस जा रहे हैं। वैसे इस टाइम है नहीं कोई भी, है ना? लोग किसी पास से बोल। अच्छा, तो मतलब अभी क्राउड है कि अभी कम है इस टाइम दिसंबर में?
पार्किंग में तो गाड़ी बहुत है, गाड़ियाँ तो बहुत है पर लोग आ नहीं रहे इसमें ना। अभी ये शहर ठंड का मौसम है, कभी उठे नहीं है, कोई फ्रेश नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ, 9-10 बजे से पहले नहीं आएंगे। हाँ वही 10 बजे तक यहाँ पे आते हैं लोग, है ना, अभी उठे नहीं होंगे सारे, तैयार नहीं होते तो। हाँ भाई, तो ये तो है यहाँ पे पूरे। ये ऊपर क्या बना हुआ है, कौन सा ये केबल कार बोलते हैं ये जो बना ऊपर? हाँ, ट्रॉली जो है, टावर नहीं ऊंचा वाला। हाँ हाँ, वो तो ज्यादा केबल कार। कितने रुपए लेते हैं वो? 300 रुपए पर हेड। 300 रुपए पर हेड। वो क्या दिखाते हैं ऊपर? वो हिमालय दिखेगा। हिमालय दिखता है, ठीक। पानी जमीन का है। कितनी गहराई है यहाँ की? ये करीब 250 फीट। 250 फुट गहरा है ये। मैंने ऐसा सुना था कि भाई यहाँ पे जो गहराई है ना, जान नहीं पाया कितनी गहराई है। पता भी नहीं है, अभी नहीं पता ना कन्फर्म। ना, ना, ना। अभी जाएंगे ना 200 में। हाँ हाँ, वहाँ पता नहीं है। अच्छा, कन्फर्म मतलब है नहीं वहाँ पे कितनी है गहराई, मतलब बहुत है वैसे, है ना, जितना पहाड़ नहीं ऊपर। हाँ हाँ, उतने नीचे खाई है ये। अच्छा, कभी ऐसा जैसे परले आई थी अपने बद्रीनाथ केदारनाथ में, कहीं पानी इकट्ठा हुआ था उसकी वजह से आई थी वो, तो ऐसा तो कभी यहाँ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी पानी इकट्ठा रहता है, ऐसा नहीं है कुछ? ये हुआ भैया, हुआ यहाँ पे, ये हुआ 4 दिन तक लगातार बारिश है ना। हाँ, बारिश तो बहुत होती है इधर। हुआ पानी चढ़ गया था रोड पे। ओहो, अच्छा यहाँ से ऊपर हो गया था ये जो व्हाइट वाली जो दीवार बनी हुई है। हाँ, यहाँ से ऊपर चली गया था। अच्छा, इस दीवार से ऊपर चला गया था, खोलने का बना रखा है लास्ट में। अच्छा, तो पानी कहाँ खोलते है, कहाँ जाता है ये? अच्छा अच्छा, हल्द्वानी जाता है। गाइज, अब हम यहाँ पार्किंग से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं नैनीताल केव गार्डन के लिए, और ये मस्जिद के साथ से ही रास्ता आगे जा रहा है केव गार्डन के लिए। ये सीधा रास्ता केव गार्डन के लिए जा रहा है और यही रास्ता काला डूंगी के लिए जाता है, तो अब हम यहाँ से केव गार्डन जा रहे हैं। ये रास्ता है, रास्ता थोड़ा नैरो है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गए हैं केव गार्डन। ये केव गार्डन है और ये यहाँ से एंट्री टिकट मिलेगी, 100 रुपीज़ है पर पर्सन। तो अभी टिकट लेके अभी अंदर जाते हैं, अब आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। तो ओके, तो अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या है, कुछ है। अच्छा, ये यहाँ से एंट्री है।
वेलकम के गार्डन। इको केव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के ऊपर खाबड़ रास्तों से चलते हुए यहाँ से लेफ्ट जाना है मेरे को। लेफ्ट नीचे के राइट पे टायर के में जाना, अंदर के लेफ्ट लोग पैंथर में आ जाओगे, दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, नीचे अभी बता देंगे आपको, ऊपर टॉप में कैंटीन है, फोटोग्राफी करते हैं इनका। अच्छा, वापस घूम के यहीं आ जाएंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे केव है सारी अंदर। यहाँ से हमारे को वे टू केव, इधर टाइगर केव है। यहाँ पे टाइगर केव के लिए हम जा रहे हैं आगे। बुल राइड बंद, बुल राइड अभी बंद है, ये अभी बंद क्लोज किया हुआ इन्होंने। वो अभी आगे चलते हैं टाइगर केव के लिए। पूरा फॉरेस्ट टाइप बना रखा है इन्होंने। ये आगे सामने टाइगर केव बनाया हुआ है, ये पैंथर केव जंगल का एक एरिया लेके बना। हाँ नहीं, ये है पूरी इस राइट में हमारे टाइगर केव है। ये टाइगर केव के रास्ता है, टाइगर केव है, टाइगर की आवाज आ रही है, राइट संभल के निकलना। साउंड बिल्कुल टाइगर का इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। ये टाइगर सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए। हेलो, सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। नमस्ते भाई, बोलो। अभी हम आज रात को आ जाएंगे। लाइटिंग इन्होंने लगा रखी है यहाँ पे काफी क्या सुंदर सी केव है। ये एक एक लेंथ मंगानी है। ये जो है पैंथर केव है। हाँ, 11 नंबर से को भी हम करेंगे कवर। खुशी रहा। हाँ हाँ, 12 नंबर में आ जाती है मुड़ के 11 नंबर से। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे उतरने के लिए। पैंथर केव है पूरी। नैनीताल अगर आप आए तो यहाँ जरूर आए, काफी आपको एंजॉय करोगे यहाँ पे आके, काफी अच्छा लगेगा। गाइस हम जा रहे हैं इस खतरनाक केव में। उन्होंने लाइटिंग लगा रखी है यहाँ पे पूरी। मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों ही हैं इस केव में अभी, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। ना यहाँ पे पैंथर है, ना यहाँ पे कोई आदमी नजर आ रहा है हम दोनों के अलावा। बाकी है इधर कुछ तरह का है रास्ता, ये वाला है ऊपर वाला। नहीं, इन्होंने एक लाइट लगा रखी है। पैंथर यहाँ पे आराम से सोता है, और फिर हम थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं आराम आराम से। मोबाइल नेटवर्क यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहे। हाँ जी, आप आराम से है ना भाई साहब, बिल्कुल स्लिपी है नहीं? पत्थर जो है स्लिपी है। हाँ, ट्रैकिंग करते करते ब्लेजर ये एग्जिट है इस केव का। बहुत बड़ी केव है, समझ के आए, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। टाइगर आ गया, भागो। ये केव का एग्जिट है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है और यहाँ देखने के लिए।
ये प्रोक्यूपाइन केव है, ये प्रोक्यूपाइन है, बता दे। कुत्ते टाइप का ही होता है ये। चलो हम नीचे केव में चलते हैं। मर्यादा और शांत के केव में पक्षी ना ले। ये रहा यहाँ पे काफी। यहाँ पे तो बैठ बैठ के निकलना पड़ेगा आपको प्रोक्यूपाइन केव में। ओ भाई यहाँ पे थोड़ा संभल के आना। आगे बैट्स केव है, अब इसको भी देखते हैं। ये टाइगर खड़ा है यहाँ पे एक। तो हम वापस आ गए बैट्स केव से, अब वापस ऊपर की तरफ चलते हैं। इसका पूरा मैप है ये नैनीताल का। आँख की तरह तुमने अभी है। यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन में कुछ देखते हैं, कुछ उसके बाद निकलेंगे। चलो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।